चरे शास्त्र कट तेंग बिरन चढ़ जाय अंग लखे भद्रो सुने जो काल कृपा कराय। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ बैठे श्रीमान पूजनीक श्री मंग साहब जी महाराज और श्रीमान साढ़े सिंह साहबान और श्रीमान महंत जोत सिंह जी और भी जितने भी महापुरुष सारे सत्कार जोग बैठे हैं, आओ पहला आप गुरु साहब के पवित्र चरणों के आपो अपनी हाजिरी लवाईए। गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जितने भी महापुरुष वो साडे पवित्र आत्मा श्रीमान पूजनीक संत बाबा दलीर सिंह जी महाराज और श्रीमान पूजनीक महंत जगदेव सिंह जी महाराज मोहनी जी, उन्हां दी याद दे विच असी सारे हाजरे भरन आए हैं गुरु साहब के पवित्र चरणों के विच। और महापुरशां बारे उन्होंने जीवन बारे दस तो पहला महापुरशां ने दस ही दिता कि संत है जो दुनिया पे आउंदा है वो आप परमात्मा नाल मिलिया होया हुंदा है और दूसरिआं नूं परमात्मा दे नाल जोड़दा है। दूसरी गल कि वो परपकारी है। तरवर सरवर संत जाना चौथा वर्षे में हो परमार्थ के कारण तारे तारी देहो। दरख्त अपना फल आप नहीं खांदा, अपनी छाया आप नहीं लैंदा, दूसरिआं नूं दिंदा ते दूसरा सरोवर है उहदे विच कोई इशनान करी जावे कोई कपड़े धोई जावे किसे नूं कुछ नहीं कहिंदा ते तीसरा संत जाना। जिहड़ा संत ओह परोपकारी है। ते चौथा वर्षे में जो मीह वरसदा उच्चा नीवा थां नहीं देखता, उन्हें वरसना ही है। और जिहड़े महापुरश है वह परोपकार करते हैं, साढ़े ते कितना परोपकार है संत बाबा दलेर सिंह जी का, जिन्होंने बड़े दूर दूर जा करके जिहड़ा भी कोई मिलिया उहनूं इही कहा कि भाई तू परमात्मा दे नाल वाहिगुरु दे नाल कितना चिर जुड़दा, कितना चिर भजन करदा, शुभ करन वास्ते कम करन वास्ते जुड़िया। इह संत दा मार्ग है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। इह संतां दा मार्ग है, संत इही कहिंदे आ कि भाई आप जुड़े हुए हुंदे आ और दूसरिआं नूं गुरु दे नाल जोड़दे आ। कहिंदे संत में पारस में और संत में बड़ो अंतर जानो लोहा कंचन करो करे आप समान। कहिंदे पारस का छोटा जा टुकड़ा हुंदा और लोहे नूं लगा दिओ ते सोना बना दिंदा, पर अपने वर्गा पारस नहीं बना सकता। ते संत दे विच भेद है, संत अपने वर्गा संत पैदा कर दिंदा। आपां देखे उन्हां दर्शन कीते है संत बाबा दलेर सिंह जी, जितने भी उन्होंने सेवक है उन्होंने उन्होंने पारस बना दिता। उन्हां दी शिक्षा से चलते हैं, उन्हां दा जो बचन है ना उन्होंने बचन की कमाई करते हैं। उन्होंने वचन यही सी कि भी पहले गल गुरु दे नाल जोड़ना, साडा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ओरी विद्या पढ़नी पढ़ाउणी। उन्होंने ये कहना भी अमृत वेले उठ के उस परमात्मा का अकाल पुरख का वाहगुरु का सिमरन करना,
अमृत वेले का जागना जे कोई जागे नित एक वडेली यार जा दूजा साहब आवे चित। अमृत वेले उठ के उस परमात्मा का काल पुरख का वाहेगुरु का सिमरन करो। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी गुरु के दास। जिहड़ा जीव दास बन के आया वो भाई कुछ ना कुछ लेके जाएगा, जिहड़ा दास बन के नहीं आता वो की लेके जाएगा, अपना पला थाली चाल के चलिया जाएगा। कहने का भाव कि संत बाबा दलेर सिंह जी ने संत श्रीमान पूजनीक महंत बाबा जगदेव सिंह जी नूं ऐसा संत बनाया। चलो जो परमात्मा की इच्छा है थोड़े समय के विच उन्होंने कितने संगियां नूं गुरु दे नाल जोड़िया, ते प्यार भी है उन्हां दा जिस तरह के होना। संत बाबा मक्कण सिंह जी लिखते हैं तुलसी आए को आदर दे चलतन वावे शीस, तुलसी ऐसे मित्र को मिलिए बसवे दीस। जे कोई जिज्ञासु आता है, कोई महापुरश आता, कोई संत आता, उन्हें बड़े प्रेम के सत्कार दे नाल कहिंदी है जी आयां नूं भाई वह संत है। जदों जाण दी इच्छा करता है उन्हें बड़े प्यार के सत्कार दे नाल तोरदे है जी आयां नूं। कि जिस दे उपर संतां दी कृपा हो जावे, ते कृपा ताही हो जे असी गुरु दे चरणां दे विच आ करके गुरु दा वचन है ओ मन्नीए, ते असी गुरु का वचन नहीं मन्नदे। जिवें इक दिन साडे इक महापुरश वचन कर रहा सी, ओ कहिंदा वी जे किसे नूं कोई पुछदे आ ना ओ वे मुंडिया तू फलाना काम करिया है, ओ कहिंदा जी कर छड्डिया। ते उधर अंबर छका के हटे सी, वह कहिंदे वी ते अंबर छकिया है, वह कहिंदे जी छक छड्डिया। वह कहिंदा वी आ गल बड़ी माड़ी है, छकिया भी कदों, हले तू छक के पंडाल चाहे कि छेती छड भी दिता। ये एडो वड्डी वचन आप अपने कहन दे के आप जो गुरु का वचन है उन्होंने लड़ ला लगे अपने पले बन लगे तो कुछ ना कुछ लेके जावे, नहीं तो खाली पला झाड़ के चले जावे। फतेह बुला, फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साहिब सिंह जी।